राम राम जी सारे ने। तो कैसे हो सारे, उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो के लिए हम जा रहे हैं बैसी गांव की ओर और इस वीडियो में हम आपको बैसी गांव की जानकारी देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर करना और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो फाइनली हम लाखन बाजरा से बैसी गांव में प्रवेश कर चुके हैं। गांव बैसी भारतवर्ष में हरियाणा प्रदेश के जिला रोहतक व तहसील महम का एक गांव है। तो सबसे पहले हम मेन रास्ते से गांव को पूरा कवर करेंगे, उसके बाद गांव में प्रवेश करेंगे। यह गांव का मेन अड्डा है और इस चौराहे से आप बराण गांव व किला जफरगढ़ की ओर जा सकते हैं और साथ ही में यह मेन रोड लाखन बाजरा से महम भिवानी का है। गांव का विलेज कोड 061567 और जनगणना के अनुसार गांव की जनसंख्या लगभग 6000 बताई जाती है। बैसी गांव के अंदर सभी जाति के लोग आपस में भाईचारे सहयोग और शांतिपूर्वक रहते हैं। इसके साथ ही गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि व पशुपालन है। बैसी गांव के नज़दीकी गांव जयाब बराण गिरावड़ खरेटी गोगाहेडी खरक जाटान किला जफरगढ़ फरमाना खास व फरमाना बादशाहपुर निंदाना आदि हैं। ये सभी गांव बैसी से 7 किलोमीटर के दायरे में हैं। गांव से महम तहसील की दूरी लगभग 14 किलोमीटर है। यहाँ से लगभग 150 मीटर आगे नारनौल अम्बाला एक्सप्रेसवे आता है। अभी हम गांव के बिल्कुल आखिर में पहुँच चुके हैं। यहाँ पर दादा सैयद जी का सुंदर मंदिर बना गया है। बैसी गांव जिला रोहतक से लगभग 27 किलोमीटर महम तहसील से लगभग 14 किलोमीटर राज्य की राजधानी चंडीगढ़ से लगभग 202 किलोमीटर व देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर है। बैसी गांव एक ऐतिहासिक गांव है। इस गांव के अंदर आज़ादी के समय से मस्जिद व गुरुद्वारा बना हुआ है। इसके साथ ही गांव के अंदर सुविधाओं के लिए अंबेडकर भवन, आंगनवाड़ी केंद्र, राजकीय विद्यालय, जलघर, पशु चिकित्सालय आदि भी हैं। यहाँ मेन रास्ते पर बैसी गांव का बाबा बंदा बहादुर साहिब गुरुद्वारा बना हुआ है। बैसी गांव के अंदर अनेकों महान विभूतियों व सेनानियों ने जन्म लिया जिन्होंने देश की रक्षा और आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। बैसी गांव के अंदर अनेकों महान खिलाड़ी भी पैदा हुए जिन्होंने अपनी मेहनत से गांव व देश का नाम रोशन किया है। बैसी गांव के नज़दीकी रेलवे स्टेशन किला जफरगढ़ 5 किलोमीटर, लाखन बाजरा 5 किलोमीटर और साथ ही में रोहतक रेलवे स्टेशन 25 किलोमीटर व जींद रेलवे स्टेशन लगभग 38 किलोमीटर की दूरी पर हैं। यहाँ पर गांव का शमशान घाट बना हुआ है। यह बैसी गांव का पीर जी का मंदिर है जो तालाब के साथ बना हुआ है।
यह बैसी गांव का रामलीला क्लब है। बैसी गांव के बीच में सनातन धर्म मंदिर बना हुआ है। हम पुजारी जी से बात करना चाहते थे, लेकिन पुजारी जी किसी कारणवश यहां पर नहीं है। तो आइए आपको गांव का बाकी दृश्य दिखाते हैं। यहां पर गांव का प्राथमिक पाठशाला व राजकीय उच्च विद्यालय बना हुआ है। विद्यालय से आगे यह गांव का एक और तालाब है, जिसके साथ गांव का दादा खेड़ा मंदिर व माता रानी जी का मंदिर भी बना हुआ है। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो में कोई भी जानकारी अगर छूट जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे वह जानकारी दूसरों को भी मिल सके। बैसी गांव के अंदर संत रविदास जी मंदिर, बाबा अंबेडकर जी भवन व कई चौपाल भी बनी हुई हैं। इस चौक पर गांव का डाकघर, संत रविदास जी मंदिर व एक चौपाल है। तो आइए आपको फिर से थोड़ी और गलियों की सैर कराते हैं। बैसी गांव से महम की दूरी 14 किलोमीटर, उपजिला जुलाना की दूरी 12 किलोमीटर, लाखन माजरा की दूरी 6 किलोमीटर है। इसके साथ ही बैसी गांव से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दूरी 94 किलोमीटर, चंडीगढ़ एयरपोर्ट की दूरी 196 किलोमीटर व हिसार एयरपोर्ट की दूरी लगभग 72 किलोमीटर है। यह रास्ता गांव से गोगाहेड़ी गांव की ओर निकलता है, और साथ ही में हम बता देते हैं कि यहां से हिसार लगभग 73 किलोमीटर, भिवानी 40 किलोमीटर, रोहतक 27 किलोमीटर, जींद 38 किलोमीटर है। बताया जाता है कि जहां पर गांव का पुराना गुरुद्वारा है, उस स्थान पर पुराने समय में मस्जिद हुआ करती थी, उसका दृश्य भी आपको वीडियो में दिखाई देगा। यहाँ पर गांव का भीमराव अंबेडकर भवन व गांव का जलघर बना हुआ है। जलघर से आगे ही गांव का शिव मंदिर है। तो आइए आपको शिव मंदिर के अंदर ले चलते हैं। यहाँ पर सुंदर शिवलिंग सतल बना हुआ है, और इस शिव मंदिर का नवनिर्माण कार्य अभी चला हुआ है। मंदिर के आंगन में काफी हरियाली है। यह बैसी गांव का गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जो पुराने गुरुद्वारे के साथ में है। यह बैसी गांव का बाबा तकिया पीर जी मंदिर है। इस मंदिर की भी गांव के अंदर विशेष मान्यता है। तो आइए आपको मंदिर के अंदर का पूरा दृश्य दिखाते हैं। तो बैसी गांव की यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। हम मिलेंगे आपसे किसी अन्य गांव की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।